आप क्या समझते हैं कि वाकई उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था? कभी भी नहीं, मैं इस बात पे यकीन करता। वो कोई उसके ऊपर किसी चीज का साया था। एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये बंदा बड़ा नाम पैदा करेगा, बड़ा नाम पैदा करेगा, चाहे बुराई में करे चाहे अच्छाई में करे। उसको किसी ने कहा कि भाई तुम इतनी तेजी से जो पैसा खर्च कर रहे हो, कल को तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? तो उसने कहा मुझे जिंदगी गुजारने की जरूरत क्या है, मैं पसोर पकड़ूंगा, कनपट्टी में रखूंगा, गोली मारूंगा। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। 8 अक्टूबर 1958 लाहौर में जावेद इकबाल पैदा हुआ। इसका बाप एक बहुत ही रईस आदमी था, एक ताजर था, स्टॉक मार्केट का और स्टील मिल्स की इंडस्ट्री का था। इसका नाम था मोहम्मद। बचपन से ये बहुत जुनूनी और वायलेंट नेचर का था। जब भी इसकी बात ना पूरी होती तो ये माँ बाप को जिच करता और आखिरी हद तक अपनी डिमांड्स पूरी करवाता। ही वॉज अ रियली स्पॉइल्ड ब्रैट, ऐसे शख्स जिसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी, जिसने ना सिर्फ कमसिन बच्चों को जुल्म ज़ाती का निशाना बनाया और उनको फिर मौत के घाट उतार दिया। ऐसी कहानी है जावेद इकबाल की। इस आदमी की दो बहनें और तीन भाई थे। एक साइकोपैथिक डिसऑर्डर, इस हद तक पीडोफाइल के अंदर सबमर्ज्ड, अपनी पावर, इन्फ्लुएंस और नेगेटिव अप्रोच को एक्सर्ट करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए इसको कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। क्योंकि एक बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से था तो इसने अच्छी एजुकेशन हासिल की। जैसे इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया शाहबाग में, इसके बाबा ने इसको लग्जरी बैंगलोर गिफ्ट किया, जहाँ पे ये अपने गाड़ियों में बच्चों को किडनैप करता, वहाँ लेकर आता, बदफेली करता एंड देन उनको छोड़ देता। उस समय में इसके पास गाड़ियाँ अच्छी थी तो इसके लिए ट्रैवल एक्सपेंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसने बच्चों को ल्योर करने के लिए वीडियो गेम शॉप्स बनाई, शाहबाग में फेयर प्राइस दुकान खोली, जिसमें बाजार के मुकाबले इस दुकान पर कम प्राइसेस पे ये गुड्स और चीज़ें वगैरह सेल करता था। फिर इसने एयर कंडीशन स्कूल बनाया जो था सनी स्कूलिंग सिस्टम के नाम से। बॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए इसने जिम भी बनाया। मोहम्मद इकबाल नाम का एक लड़का था जिसको इसने फोर्सफुली अपनी बहन से उसकी शादी कराई ताकि बदसलूकी में कोई भी गैप ना रहे और इसका काम चलता रहे। उस टाइम पे पेन कल्चर बहुत प्रिवेलेंट था, जैसे आज के ज़माने में फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह है टू कम्युनिकेट। उस टाइम पे ख़त के थ्रू बातचीत होती थी, पेन फ्रेंड्स होते थे, लोगों को ख़त लिखता था ये यंग बच्चों को और फिर उनको लोअर करता था। घड़ी वॉचेज़ या उस ज़माने की जो भी लग्जरी स्टाइल था वो चीज़ें उसको गिफ्ट करता था। 20 साल उम्र हो गई, कारोबार भी चमकने लगा और उसके बाद इसके पेरेंट्स ने कहा कि इसको शादी कर लेनी चाहिए। इसकी एक शादी हुई लेकिन काफ़ी जल्द ही डाइवोर्स हो गई क्योंकि इसकी पहली बीवी का जो छोटा भाई था उसको ये असॉल्ट करता था, जिसकी वजह से ये मैरिज ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई। फिर इसने दोबारा शादी की और फिर वो भी टूट गई इसी की बदअमलियों की वजह से। ही वॉज अ वेरी लोनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड। उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव में हमेशा उसको सपोर्ट किया था क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, अच्छा खासा पैसा था। तारीख का बहुत हॉरिफिक वाक्य था कि एक ऐसा शख्स जो बार बार बदफेली कर रहा है, बदअमली कर रहा है, उसे पुलिस पकड़ती, उसे टॉर्चर करती एंड देन उसे छोड़ देती, लेकिन उस पर कोई अमली फैसला नहीं हो पाता। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों को सेबटाज करता था जो कि घर से भागे हुए होते थे, सड़क पे रहते थे और जिनका वाली वारिस कोई नहीं था, ऑर्फन्स थे बेसिकली, चलाक आदमी था। इसको पता था कि अगर मैं कुछ करूंगा ऐसे बच्चों के साथ जिनके मामा बाबा हैं तो वो जल्द ही अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट तो लिखवाएंगे। तो इसने ऐसे ही बच्चों को टारगेट किया जिससे इसके बारे में कोई पूछगछ ना हो। कुछ टाइम बाद उसका हवस और बढ़ती गई और उसने और भी बच्चों को टारगेट करना स्टार्ट किया। इसका नेक्स्ट टारगेट हुआ फिर एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली का एक लड़का जिसके साथ इसने बदफेली की और इससे जान छुड़ाना मुश्किल होगा। जब पंचायत में ये बात पहुंची तो माफीनामा साइन हो गया और चीज़ें वापस सेटल डाउन हो गई। 1993 ये टाइम था जब इसका बाप, इसका सरपरस्त फौत हो गया और ये वो टाइम था जब इसको जायदाद में से 3 मिलियन रुपीज मिले। इस पैसे से इसने एक बहुत ही आलिशान बंगला खरीदा। इसने फतेहगढ़ गाजियाबाद में एक वीडियो गेम खोली, एक अरीना या एक आर्केड जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेयर था, बच्चों के लिए वाहिद स्पोर्ट्स क्रिकेट वगैरह और बचते थे ये न्यू वीडियो गेम्स क्योंकि टेक्नोलॉजी उस वक्त नई नहीं आ रही थी। तो यंगर बॉयज़ का काफ़ी रुझान था वीडियो गेम्स पे, तो ये ऐसे बच्चों को टारगेट करता था जो 6 से 12-13 साल के बच्चे होते थे। खैर जैसे ही बच्चे आते थे ये उनमें से अपना शिकार ढूंढता था। ये एक स्पेसिफिक चाल खेलता था। ये बंदा 100 रुपए का नोट गिराता था और क्या करता था कि जैसे ही कोई बच्चा इसे उठाने की कोशिश करता था ताकि वो और वीडियो गेम्स खेल सके, सबको भेज देता था और फिर एंड में उसी बच्चे को पकड़ लेता था। पहले तो उसको इमोशनली टॉर्चर करता था कि आप कैसे एथिकली मॉरली रॉन्ग हो, और उसके बाद एक अपने घर की एग्जिट पे लेके जाता था और उसे असॉल्ट करता था, अब्यूज़ करता था और उसके बाद उसको वो 100 रुपए भी वापस दे देता था। वो बच्चा जाके और बच्चों को बताता, बड़े लड़के छोटे लड़कों को बताते, इस तरह मार्केट में ये बात आम हो गई। उसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों को पता था कि वो क्या करता था बच्चों के साथ, इवन तक कि वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चों को भी पता था कि वो क्या कर सकता है। लेकिन बच्चे कहाँ बाज आते हैं, बच्चे कहाँ रुकते हैं वीडियो गेम्स खेलने से। 1998 की बात है कि इसने 2 मसाजर्स को, 2 छोटे लड़कों को बुलाया था कि इसकी बॉडी को मसाज करें। उन दोनों बच्चों को
इसने असॉल्ट किया और उसके बाद मज़े से सो गया। अब इसकी इस शख्स की डिटाई देखें कि कितना पुरसकून होकर ये वापसी सो गया। उसी दौरान उस बच्चे ने इसकी ही गन उठा के, वो इसके बेड के ऊपर टंगी रहती थी, वो गन थी, वो राइफल थी, इसके सर पे कुछ इस तरह से 3 दफ़ा वार किया कि इसकी पूरी जगह नील पड़ गया, रैशेज हो गए, इवन तक इसका स्कल कुचला गया, स्कल भी डैमेज हो गया। 1999 सितंबर की बात है कि 22 दिन ये लाहौर के हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल में पड़ा रहा। उसकी मदर की डेथ एक ट्रिगर पॉइंट बन गई जो एक्सेलरेट की उसकी हैवानियत को, उसकी जानवरियत को और एग्जर्ट करने के लिए कि कैसे इसकी माँ तड़प रही है, और वो उससे कनेक्ट करना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। वो आती थी, इसको देख के रोती थी, लेकिन इस पर कोई भी कुछ किया नहीं जा सकता था। मतलब इसकी एक कॉग्निटिव रेजोनेंस दिखे, एक तो चोरी पसीना जोरी। मोहम्मद बिलाल गौरी को इसने एक लेटर लिखा जिसमें इसने बताया कि इसने 100 बच्चों का कत्ल किया, उनका रेप किया, उनके साथ बदफेली की, और फिर उनको टीन के डब्बों में डाल के उनको सल्फ्यूरिक एसिड से उनकी हड्डियों को उनके अंदर डंपिंग किया। और उस लेटर पे क्योंकि लोकेशन मेंशन थी रावी रोड की, तो उस सहाफ़ी ने पुलिस के साथ जाके उस जगह पे छापा मारा। उस टाइम 100 बच्चों के जूते, कपड़े, चीज़ें, इवन तक के 100 बच्चों के पिक्चर्स थी। कभी उसने उन बच्चों की इन क्लोथ्स पिक्चर ली, कभी मॉर्फ पिक्चर्स ली, जिससे उन बच्चों को उसने काफ़ी टाइम तक ब्लैकमेल किया। इसीलिए वो बच्चे अपना मुँह नहीं खोला करते थे क्योंकि इज्जत की बात आ जाएगी। ये चाहता था कि ये 1 जनवरी 2000 डेकेड का पहला साल, और ये दुनिया की टाइमलाइन, दुनिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सफाक और सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस किस्म का सीरियल किलर ऑन द टॉप ऑफ न्यूज़ चैनल्स पे रहे। सरेंडर करता है, अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि आई हेटेड दिस वर्ल्ड, और मुझे उन बच्चों को मारने का कोई नदामत, कोई पशमानी, कोई शर्मिंदगी कुछ भी नहीं थी। ऐसे खौफनाक और इंसानियत की धज्जियां उड़ाने वाले दरिंदगी से भरपूर वाक़े को एक जज ने लीड किया इस केस को, जज अलाबख्श रंजन, कि पहले इसे सफोकेट किया जाए ताकि नीम मदहोशी में इसको पेन और ज़्यादा फील हो, इसकी बॉडी के 100 पीसेस किए जाएं और उन 100 पीसेस को सल्फ्यूरिक एसिड के डब्बों में डाला जाए। जैसे ही इसने बच्चों को सफोकेट करके उनकी बॉडी पार्ट्स काट के उन ड्रम्स में डाला था अपने बेसमेंट में। ट्विस्टर स्टोरी ये है कि कुछ लोग कहते हैं इसने ख़ुदकुशी कर ली थी, इवन तक कि जब ये सरेंडर करने आया था 29 दिसंबर 1999 को, तो इसके पास से सोने की टैबलेट्स और पॉइजन भी निकला था जिसको मे बी लेटर ऑन इसने पी लिया हो। सम पीपल से कि इसने ही बेडशीट को अपने आप को स्ट्रंगल किया और सीलिंग से लटक के वो मर गया। उसकी डेथ की क्या असल कहानी थी 100% किसी को नहीं पता। डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग चीज़ें कहती हैं, सो देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस। अब असल क्या था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है कि इसकी मौत, इसने खुद को कैसे मारा। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू डॉक्टर इल्सा शहजाद चैनल। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अप टिल नाउ इट्स बीन सो लॉन्ग। थैंक यू।